चीज़ लोगों ने कही है जब वो क्लिप दिखाई गई जहाँ पर आप विकी का हाथ पकड़ रहे थे, और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी वीकेंड का वार में, तो लोगों को ये लगता कि क्या आपको विकी के लिए फीलिंग्स थी? फीलिंग्स बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया, पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की, और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ, और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कहीं नॉमिनेशन में उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा, तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब जो पर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीजी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे, फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो ना था, और उस पर थोड़े झगड़े हुए, मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती जो विद पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे, बट उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी, उस दिन मुझे फील हुआ कि फाइन आई विल जस्ट स्लीप ऑन दिस बेड टुडे टुनाइट, दे आल्सो डिडंट कॉल मी रॉन्ग, दे सेड यू आर राइट, मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे अगर मैं अपने ही बेड पे सोना चाहती, तो मैंने बोला इनफैक्ट मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, नो प्रॉब्लम, और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया, विकी मेरी ईगो इस कि अच्छा बेड सुन लिया मुझसे, बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सो ये प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ों पर अगर आप ऐसे कोई मतलब चीज़ें अज्यूम करना चाहते फीलिंग इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरी तरफ मतलब ही वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेके हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती, अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने डेज में तो आई एम वेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको ट्रस्ट मुझे ट्रस्ट इशूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने थर्ड वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इशूज़ थे, और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इशूज ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट यस मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पर होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे, पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी कुछ कभी वहाँ पे जो वैसा माहौल है ना वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है, आई वी वेरी ऑनेस्ट, और मैं बहुत सीधी मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं होती, मैं कभी कभी आ जाती हूँ जैसे मैं मानू मैं ऐसी नहीं होती, हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है जरा, और मैं कंपेटिटर्स तो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड खराब हो मेरे बॉन्ड टूटे ये वो, तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन ले दीदी मैं सोचा था मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें आपका और विकी का कुछ चल रहा है यू नो एवरीथिंग, सो आर यू वैलिडेटिंग आर यू लाइक यू नो वॉट एवर योर जेस्चर्स वर वॉज इट लाइक अ वैलिडेशन की हाँ इनसिक्योरिटी जो अंकित की थी वॉज इट ट्रू वॉज इट बिकॉज ऑफ सम क्लोजनेस बिटवीन यू एंड हिम? सना इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, अब आप बाहर आ चुकी हैं, आपने वो क्लिप जरूर देखा होगा जो वायरल हुआ था आपका, एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया था, क्या हुआ था वो आपको याद है? मैंने अभी तो देखा भी नहीं ऑनेस्टली, मैं सो रही थी तो कहके छाया था, मैं मुझे जितना याद है अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी की तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो जैसे विकी के साथ तो बोले तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में ले, तो मैंने बोला था उसे उन्हें कि हाँ पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है, ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा समथिंग लाइक दैट कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, तो बोले थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो ये वो,
ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है, फिर समवेयर यू नो मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी अंदर, हाँ फिर कुछ ऐसा हुआ था हैंड जेस्चर मुझे याद है।